आंध्र प्रदेश के आपराधिक जांच विभाग ने टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू को नंदियाला में गिरफ्तार किया गया। साथ ही आंध्र प्रदेश पुलिस ने उनके बेटे नारा लोकेश को भी पूर्वी गोदावरी जिले में हिरासत में लिया। बता दें कि आंध्र प्रदेश के आपराधिक जांच विभाग ने टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी भ्रष्टाचार के मामले में हुई है। नायडू के खिलाफ साल 2021 में मामला दर्ज किया गया था। साथ ही आंध्र प्रदेश पुलिस ने टीडीपी नेता और पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश को भी पूर्वी गोदावरी जिले में हिरासत में लिया है। टीडीपी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू के वकील ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि हाई ब्लड प्रेशर और शुगर का पता चलने के बाद सीआईडी चंद्रबाबू को मेडिकल जांच के लिए ले गई है। हम जमानत के लिए हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। नंदियाल रेंज के पुलिस डीआईजी रघुरामी रेड्डी और अपराध जांच विभाग के नेतृत्व में पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी ने नंदियाल के आरके फंक्शन हॉल में स्थित नायडू के शिविर का धावा बोलकर उन्हें गिरफ्तार किया। ये कार्रवाई सुबह के करीब 3 बजे की गई है। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस को वहाँ मौजूद टीडीपी समर्थकों के गुस्से का भी सामना करना पड़ा। समर्थकों ने पुलिस को चंद्रबाबू नायडू के वाहन के पास जाने से रोक रहे थे, लेकिन सुबह के 6 बजे पुलिस ने नायडू को उनके वाहन से बाहर निकाला और गिरफ्तार किया। डीआईजी ने कहा कि उन्हें एपी कौशल विकास निगम घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50A और 2 के तहत जारी नोटिस के अनुसार नायडू को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम साल 1988 और भारतीय दंड संहिता की धारा 120, 168, 168, 118, 420, 465, 465, 467, 409, 201, 109, 8W और 37 के तहत गिरफ्तार किया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि ये गैर जमानती अपराध है। इस मामले में अब केवल अदालत द्वारा ही जमानत मिल सकती है। बता दें कि आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम एन चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये गिरफ्तार उनको भ्रष्टाचार के मामले में किया गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।